वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर कौन सा होगा, समकालीन दक्षिण एशिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस समय आपके स्कूल में मेरा चैप्टर शुरू हो चुका होगा या चल रहा होगा, तो आज हम इसको डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर आप वर्ल्ड के मैप को चेक करेंगे तो आपको दक्षिण एशिया के जो भी कंट्री है, जो भी देश है, उसके बारे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही बता रहेगा कि दक्षिण एशिया विश्व का सबसे क्या महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंदर 7 देश शामिल है। 7 देश कौन कौन से है, लिखा है भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव भी है। अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। और ये बता दो कि चीन भी दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन इसको इनमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है दूसरा पॉइंट, दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भौगोलिक स्थिति का मतलब बता दूं कि जैसे भारत का नक्शा है, तो उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व पश्चिम में क्या है, जैसे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, इस तरह यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय पर्वत है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आता है कि दक्षिण एशिया की राजनीति और शासन व्यवस्था। राजनीति शासन व्यवस्था का मतलब होगा कि यहाँ पे कैसी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है या फिर राजतंत्र है या फिर प्रजातंत्र है, कैसा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कि यहाँ पर ये लिखा है कि विभिन्न देश में एक से राजनीति प्रणाली नहीं है। यानी कि हमें पता है कि अलग अलग देश होंगे तो अलग अलग क्या होगा, राज्य होगा, अलग अलग लोगों का शासन होगा, तो वही यहाँ पर लिखा है कि अलग अलग देशों में एक से राजनीतिक प्रणाली यहाँ पे नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, क्या अनेक समस्याओं के बावजूद भारत और श्रीलंका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया, ठीक है। भारत और श्रीलंका क्या हो गया, ब्रिटेन से आज़ाद हो गया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम बना के रखी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतांत्रिक और सैनिक व्यवस्था चलती है। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो ऐसी कंट्री, ऐसे देश है जहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था चलती है, साथ साथ यहाँ पे सैनिक शासन व्यवस्था भी चलती है, सैनिक का भी शासन होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा इस चैप्टर के बारे में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अगला हम करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।